हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या कोई ऐसे बीएससी नर्सिंग के फॉर्म हैं जिनको हम नीट के स्कोर के थ्रू मतलब फिल कर सकते हैं और नीट के थ्रू हमें एडमिशन मिल सकता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी नए अपडेट हो आपके उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, जो आपको कहाँ पे लोकनायक हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू मार्ग न्यू दिल्ली में है आपका। तो इसके जो आपके एडमिशन से जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके नीट के स्कोर के बेस पे होने वाले हैं। जी हाँ, इन्होंने अपना सेपरेट एंट्रेंस नहीं कराया, ये नीट के स्कोर को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, इनके प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट थी इनकी वो 1 जुलाई 2022 की थी, यानी कि 1 जुलाई 2022 को एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ था। वहीं आपकी अवेलेबिलिटी थी फॉर्म्स की। दोस्तों, आपने नीट का फॉर्म फिल किया होगा और आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है तो आप क्या है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। और उसकी आपकी जो फ़ीस है वो अलग से चार्ज होगी, अप्रॉक्स 1000 फीस आपकी लगेगी। तो आपको जो अवेलेबिलिटी है फॉर्म्स की वो कब से स्टार्ट हो गई है, 4 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आप काउंसलिंग कराओगे तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यहाँ पे आपकी 4 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। वहीं जो क्लोजिंग डेट है आपकी वो कितनी है, 30 जुलाई है, यानी कि 30 जुलाई के बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था इस बार और उनका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर करोगे उसके बाद में आपको जो नीट का स्कोर है उसको यहाँ पे मतलब आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी आपको, मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आपका क्या है सिलेक्शन यहाँ पे होगा। फिर फर्दर आपको कॉलेज क्या है सिलेक्ट करने होंगे। लेकिन आपकी जो बहुत अच्छा चांस है, कब किसकी लास्ट डेट है, 30 जुलाई की आपकी इसकी लास्ट डेट है। वहीं आपका जो नीट का एग्जाम था 17 जुलाई को हो गया था। यहाँ पर कुछ आपकी इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे हैं कि आपकी फर्स्ट सेशन कब होगा, ये सारी डेट रखी। 4 अगस्त का ही है आपका। आपका जो सेकंड सेशन है वो आपको 8 अगस्त का है। वहीं आपका जो राउंड अप सेशन होगा वो 12 अगस्त का होगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपका की, आपकी www.abcunduaadmission.in आपकी। तो इनकी क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नीट का स्कोर करके यूज़ करके ही आप क्या कर रहे हैं एडमिशन को लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की। तो आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स से कम की नहीं होनी चाहिए आपकी 2023 तक की, ठीक है। आपकी 17 ईयर्स कम से कम एज होनी चाहिए। वहीं क्वालिफिकेशन जो है आपकी, तो आपकी 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए PCB और इंग्लिश में आपके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पर सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है, मेल कैंडिडेट नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। आपको जो बेसिस सिलेक्शन को आपका क्या है नीट के स्कोर को यूज़ कर लिया जाएगा। और मेडिकली आपको क्या फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वो दे रखे हैं कितनी कितनी सीट्स हैं। तो टोटल कितनी है आपकी दिल्ली में जो है 43 सीट्स हैं, आउटसाइड दिल्ली में 7 सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं आपकी 50, यानी कि 50 सीट्स पर आपको क्या कंपटीशन टफ है यहाँ पर के। ये आपकी टोटल सीट्स दे रखी हैं। उसके बाद में ये आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया दे रखे हैं, कितनी सीट्स किसके लिए रिजर्वड हैं यहाँ पर। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताई गई यहाँ पर अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपका अगर है तो यहाँ पे आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है। और ये आपको दे रखा है फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी वो 5 रुपीज़ है, बाकी आई आपकी है एडमिशन के टाइम की, जब आपका एडमिशन होगा तब की फीस है। जो आपको अभी रजिस्टर करना है उसकी आपकी फीस अलग से लगेगी। यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट फीस है आपकी, तो टोटल इस तरीके से आपकी फ़ीस पड़ रही है। यहाँ पे आपके एडिशनल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सारे आपका फीस स्ट्रक्चर इसको आप देख सकते हो। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया अपडेट हो आपका एपकॉन से रिलेटेड, यानी कि अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड, सबसे पहले आपको चैनल पर मिल जाए। और हाँ, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है इस वीडियो में किसी भी रिगार्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर, कैसे भी कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। और हाँ, अगर टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं कराया है तो प्लीज़ जाओ, जाकर के ज्वाइन कर लो। वहाँ आप फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दोनों के लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना प्लीज़। और चैनल पर बने रहो ताकि ऐसे कोई भी नए अपडेट्स आते हैं आपके, जहाँ पर आपको नीट का स्कोर यूज़ होकर के आपको अच्छा बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल सकता है। तो इसलिए चैनल पे बने रहो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।